फैजल हसन चौहान साहब, मैंने आपकी असलियत छुपाई थी, मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने 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 गलीज इंसान है कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। फैजल हसन चौहान, नेक्स्ट टाइम मेरा नेम मत लेना। अगर अपनी जुबान से मेरा नेम लेके मुझे किसी भी तरह की कोई भी बात कहीं से भी मिली तो मैं सारी की सारी बातें उनको बता दूंगी। तुम अगर हमसे टकराओगे तो सुन लो, मुंह की खाओगे। आप लोगों का जो असली चेहरा है वो मेरे अभी भी मोबाइल फोन में महफूज है, लिहाजा मुझसे बच के रहना। थैंक यू सो मच फैजल हसन चौहान साहब, मैंने आपकी असलियत